भारत बन गया सर्वशक्तिमान। विश्व गुरु बनने से एक कदम दूर हिंदुस्तान। हथियार निर्यात में 6 गुना उछाल। ग्लोबल मार्केट में ब्रह्मोस की जबरदस्त डिमांड। एक वक्त था जब हथियारों के लिए भारत विदेशों पर निर्भर था, लेकिन आज मेड इन इंडिया हथियारों के विदेशों में धूम है। कभी भारत विदेशों से हथियार खरीदने में करोड़ों डॉलर खर्च करता था, लेकिन आज अपने हथियार बेचकर करोड़ों डॉलर कमा रहा है। मोदी राज में भारत के हथियार निर्यात में 6 गुना उछाल आ गया है। इस बात की पुष्टि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में की। एक तरफ भारत अपने डिफेंस बजट को लगातार बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ उसका फोकस डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने का भी है। भारत सरकार डिफेंस इंपोर्ट को घटाने और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। चालू वित्त वर्ष में भारत ने अब तक 11,607 करोड़ रुपए के हथियार का निर्यात किया है, जबकि वित्त वर्ष 2014 और 15 में भारत ने मात्र 1941 करोड़ के हथियार का निर्यात किया था। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हथियारों के क्षेत्र में भारत कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उत्तर पूर्वी देशों से लेकर कई अफ्रीकी देशों की नजर भारत में निर्मित मिसाइलों और टैंकों पर है। 2014 में पीएम मोदी ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने अपने ही देश में हथियार निर्माण पर जोर दिया, जिसका परिणाम अब आने लगा है। जापान जैसे देश भी आज भारत से हथियार खरीदने के लिए कतार में खड़े हैं। मोदी की मजबूत विदेश नीति और राजनाथ सिंह की सफल कूटनीति की वजह से जनवरी 2022 में भारत ने फिलीपींस के साथ $375 मिलियन यानी कि 2770 करोड़ रुपए की डिफेंस डील की है, जो अभी तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। इस डील के तहत भारत फिलीपींस को हथियारों का निर्यात करेगा, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी शामिल है। भारत और फिलीपींस के बीच हुए ब्रह्मोस डील के बाद ग्लोबल मार्केट में इस मिसाइल की डिमांड में जबरदस्त उछाल आई है। कई देशों ने इस मिसाइल को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी भारतीय हथियारों में दिलचस्पी दिखाई है। डिफेंस डील को लेकर इन दो देशों के साथ भारत की बातचीत जारी है। दूसरी तरफ फिलीपींस के साथ करार के बाद वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे तमाम देश भी बड़े पैमाने पर भारत से हथियार खरीदने को तैयार हैं। पीएम मोदी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। भारत में हथियारों के निर्माण के लिए कई सारे फैसले लिए गए। सरकार ने 2025 तक देश के डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाकर 36,500 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। सिप्री की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मेहनत के बदौलत भारत में हथियारों के आयात में 21% की कमी आई। हालांकि भारत हथियारों की दुनिया में सबसे बड़ा आयातक है और विश्व में हथियारों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% है। बात जो भी हो, आज भारत धीरे धीरे ही सही विश्व शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण पीएम मोदी का कुशल नेतृत्व हो सकता है, जिसकी वजह से डिफेंस सेक्टर में भारत आज एक शक्ति के तौर पर उभरा है। नेशनल डेस्क, न्यूज़ लाइफ।